साथियों, बापू का आग्रह खादी को लेकर भी था, चरखे को लेकर भी था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद खादी को लोग लगभग भूल ही गए थे। राजनीति में किसी समारोह के समय टोपी वोपी पहन करके पहुंच जाना या लंबा कुर्ता पहन करके चले जाना, यहां तक वो सीमित हो गया था। बाकी जन सामान्य के जीवन से करीब करीब खादी गायब हो गई थी। ये हमारी सरकार के ही प्रयास का नतीजा है कि अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। दुनिया भर में आज खादी के जैकेट्स, उसके साथ साथ अनेक प्रोडक्ट्स, आज दुनिया में से उसकी डिमांड आ रही है। आज खादी देश का फैशन तो बन ही चुकी है, इसके अलावा ये आजादी की कहानी बताने और महिला सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन रही है। साथियों, ये बदलाव अपने आप नहीं आया है। बीते 4.5 वर्षों में हमने खादी से जुड़े लगभग 2000 संस्थानों का आधुनिकीकरण किया है, मॉडर्नाइजेशन किया है, और हमने कभी देखा नहीं कि ये 2000 संस्था वाले किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे दिल में तो गांधी थे, हमारे दिल में खादी थी, हमारे देश दिल में जो गरीब बुनकर हैं वो हमारे दिल में था, और इसलिए हमने इन 2000 संस्थाओं के मॉडर्नाइजेशन का काम किया। इससे खादी से सीधे तौर पर जुड़े लगभग 5 लाख लोगों को लाभ पहुंचा है। अब सीधा पैसा कामगारों तक पहुंचाया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में खादी की बिक्री में जो 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, उसका लाभ अब इन कारीगरों तक भी पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, मेरा स्वयं का मानना है कि जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वदेशी एक हथियार था, वैसे ही आज गरीबी से लड़ने के लिए हथकरघा भी एक बहुत बड़ा हथियार है। हथकरघा की अहमियत को समझते हुए ही हमारी सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के तौर पर घोषित किया है। साथियों, संपूर्णता में देखें तो गांव की अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योग गांधी जी की आर्थिक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बीते 4.5 वर्षों में बड़े स्तर पर काम किया गया है। सरकार के प्रयासों का नतीजा यह हुआ है कि गांव के उद्यमों की बिक्री जो 4 वर्ष पहले तक 30,000 करोड़ रुपए थी, वो आज डबल हो चुकी है, दोगुनी से ज्यादा हो गई है। इससे गांवों में रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। सरकार का प्रयास है कि ग्रामोदय से भारत उदय के अपने मिशन को और मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, देश के गांवों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार ग्राम स्वराज अभियान भी चला रही है। हम एक एक गांव की समीक्षा कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गांव के हर घर में बिजली हो, गैस का कनेक्शन हो, शौचालय हो, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास बैंक खाता हो और हर बच्चे को टीकाकरण अभियान का लाभ मिलता हो। साथियों, हमने बापू के आदर्शों को आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। गांव में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनने के लिए मिशन सोलार चरखा पर चलाया जा रहा है। इसके तहत अगले साल तक देश भर में 50 सोलर चरखा क्लस्टर पायलट तौर पर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। आज यहां भी आपने देखा होगा सोलार ट्री बनाए हुए हैं। यहां की जरूरत सूर्य ऊर्जा से पूरी होगी, उससे अतिरिक्त बनेगा, गांधी जी के विचारों से सुसंगत है।
ये सोलार ट्री का कंसेप्ट धीरे धीरे हर गार्डन के अंदर डेवलप हो जाएगा, लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। आज दांडी से उसकी एक पहल हुई है। भाइयों बहनों, हम चरखे को भी सोलार से जोड़ रहे हैं ताकि कम मेहनत से बूढ़े लोग परिवार में हो वो भी चरखा चला करके अपना आय कमा सकते हैं। खादी के अलावा मधुमक्खी पालन के माध्यम से भी हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देने का प्रयास किया है। 2 साल पहले शुरू किए हनी मिशन द्वारा देश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिणाम यह हुआ है कि आज देश में रिकॉर्ड मात्रा में शहद, अपने जिन्हें मत कहिए, ये शहद उत्पादन हो रहा है और किसानों को अतिरिक्त आय भी हो रही है। साथियों, इस प्रकार के अनेक प्रयास आज देश को अपने गौरवशाली अतीत, अपने संघर्ष और अपने नायकों ने से प्रेरणा लेने का काम तो आ रही है, युवाओं के लिए आजीविका के भी स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। मुझे एहसास है कि जिनको सिर्फ विरोधी करना है वो यहां भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा को फैलाने से नहीं चुकेंगे। सच्चाई ये है कि चाहे वो सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में बना क्रांति मंदिर हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर देश और दुनिया में फैले उनकी स्मृति में पंचतीर्थ हो, हमारे आदिवासी नायकों के देश भर में बने रहे, आजादी के जंग में आदिवासियों की भूमिका को लेकर के बने नए बनने जा रहे म्यूजियम हो, दिल्ली में बना पुलिस मेमोरियल हो, आजादी के बाद पहली बार भारत के वीर जवानों के लिए हम नेशनल वॉर मेमोरियल बना रहे हैं जो इसी फरवरी महीने में देश हमारी सेना को अर्पित करेगा। बीते 4.5 वर्ष में तैयार करिए ऐसे अनेक स्मारक इतिहास से परिचय कराने के साथ ही रिसर्च और पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध हो रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स भारत में हेरिटेज विकास और हेरिटेज टूरिज्म को और मजबूत करने वाले हैं।